हाय दोस्तों, मैं सुहेल बेग आपके साथ। तो आज ये एक ऐसी मैं शख्सियत से आपको मिलाना चाहता हूँ जो कि मतलब 16,000 का जो डिस्टेंस है इंडिया में वो कवर करना चाह रहे हैं। तो उनका नाम है, चलिए आप उन्हीं से बात कर लीजिए। बताइए सर। माय नेम इज़ आशुतोष पांडे और फिलहाल मैं 16,000 किलोमीटर वॉक कर रहा हूँ एनवायरनमेंट को लेकर। मैंने अपनी जर्नी 4 सितंबर 2022 को फ्रॉम अयोध्या से स्टार्ट करी और अभी फिलहाल मैं 8,200 किलोमीटर वॉक कर चुका हूँ। पहुँचा हूँ कर्नाटका, अभी फिलहाल मैं देवंगिरी जिले में पहुँचा हूँ। कल यहाँ के कलेक्ट्रेट से मुलाकात हुई। बट रीज़न ये है कि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट क्यों करी, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है सबके, जो आपके ब्रेन में भी होगा। पिछले 7 साल से मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए वर्किंग था, मैं दिल्ली में था। और आपको 2019 याद होगा जब पूरी दुनिया में क्राइसिस थी, उस टाइम दिल्ली के अंदर कोविड को लेकर लोग मर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। और वहाँ पे मेरे दो दोस्त थे जो उनको जिनको ऑक्सीजन नहीं मिली थी और उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि जब उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे गया हमने उनको हॉस्पिटलाइज़ किया और हम भागते रहे ऑक्सीजन के लिए, बट हमें ऑक्सीजन नहीं मिला और उनकी डेथ हो गई। और उस टाइम बहुत मैं डिप्रेस हुआ एंड दैट टाइम आई वाज रियलाइज मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट ह्यूमन वैल्यूज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे कुछ और करना है, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। और फिर मैंने डाटा पढ़ना शुरू किया और WHO ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जो लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं वो सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से अपनी 10 साल की ज़िंदगी लॉस कर देते हैं, जो लोग हैदराबाद के अंदर रह रहे हैं वो 8.5 ईयर्स, जो लोग लखनऊ के अंदर रह रहे हैं 9.5 ईयर्स, जो लोग बैंगलोर के अंदर रहते हैं 7.2 ईयर्स अपनी ज़िंदगी सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से खत्म कर देते हैं। 1952 में हमारे पास में 36 करोड़ लोग थे, बट अभी हमारे पास में 142 करोड़ हो चुके हैं। उस टाइम पेड़ ज़्यादा हुआ करता था, पॉपुलेशन कम थी, आज पॉपुलेशन ज़्यादा है, पेड़ कम हो चुके हैं। उस कंडीशन में हम सर्वाइविंग स्थिति से भी नीचे जा रहे हैं, बट इस पर कोई बात नहीं करता। एवरी पीपल्स ओनली टॉक अबाउट हाउ कैन अर्न मोर एंड मोर मनी, मोर एंड मोर फेम, मोर एंड मोर पावर, बट नो वन टॉक अबाउट हाउ कैन प्रोटेक्ट आवर मदर अर्थ। जबकि हमारे पास हमारी दो माएँ हैं, एक जिसने हमें जन्म दिया, एक जिसने जन्म देने के तुरंत बाद हमें ऑक्सीजन दी। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती हम इतने बड़े कभी नहीं होते, और जब हम इतने बड़े नहीं होते हमारे पास में नहीं कोई ड्रीम होती, नहीं कोई फैमिली होती, नहीं कोई इमोशंस होता, कुछ नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता। बट आज उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसी एक एजुकेशन पॉलिसी लाई जाए स्कूल के अंदर, जब बच्चा स्कूल जाता है तब बच्चे को स्कूल की तरफ से एक पेड़ दिया जाए, बच्चा उस पेड़ को प्लांट करे, उसकी एनुअल ग्रोथ की बिहार पर उसको बोनस मार्क्स दिया जाए। अगर ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो हर साल सिर्फ हम कर्नाटका स्टेट की बात करें तो यहाँ पे 50 लाख पेड़, और पूरे देश की बात करें तो 20 करोड़ से ज़्यादा पेड़ हर साल हम लगाने में कामयाब हो पाएंगे। और अगर इतना पेड़ हम लगाते हैं तो शायद आने वाले जनरेशन को एक एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे, कुछ अच्छी चीज़ें बता पाएंगे, और जो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि 20 करोड़ बच्चे को इन्वायरमेंटलिस्ट बना पाएंगे। इफ़ वी आर बिकम इन्वायरमेंटलिस्ट देन वी कैन चेंज समथिंग। जब तक हम इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं बनेंगे हमें गलत और सही की पहचान ही नहीं होगी। हमें सबको लगता है कि बस मैं वॉक कर रहा हूँ, भाई मैं वॉक नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एजुकेशन पॉलिसी डिमांड कर रहा हूँ। इसलिए मैं 21 स्टेट के फॉरेस्ट मिनिस्टर से, हर जिले के कलेक्ट्रेट के, वहाँ के चीफ मिनिस्टर से, इवन आने वाले टाइम पे मैं राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से और इवन गृह मंत्री से मिलूंगा, वापस उत्तर प्रदेश पहुँचूंगा 2026 में, जहाँ पर मैं 1 लाख पेड़ एक दिन में 26 जनवरी को 2026 में लगा रहा हूँ अयोध्या के अंदर। वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्लांटेशन होगा। और अभी फिलहाल मैं 10th स्टेट में कवर कर चुका हूँ, 8,200 किलोमीटर वॉक कर चुका हूँ। इसके बाद मैं कब जर्नी स्टार्ट कर, 4th दिसंबर 2022 को, 22 में इन्होंने स्टार्ट और मुझे 10 महीने हो गए चलते हुए। अभी 4 तारीख को मेरा 10 महीना पूरा हो जाएगा आने वाले 4 अक्टूबर को। और इसके बाद अब मैं गोवा जाऊँगा, वहाँ से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर मैं 2026 में वापस पहुँचूंगा अयोध्या और वहाँ पे 1 लाख प्लांटेशन किया जाएगा। बस यही चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप कुछ भी मत करो बट मानसिक रूप से विकलांग मत बनो, एटलीस्ट अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि हमें अगर 5 मिनट भी जिंदगी सर्वाइव करनी है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो खाने की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों चीज़ें हमारी मदर अर्थ से आता है, इसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता भाई। और WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारी स्थितियाँ खराब होती जा रही हैं। और अभी फिलहाल टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है कि भारत में 2030 तक 7 ऐसे स्टेट हैं जो डूब सकते हैं पानी की वजह से, जिसमें से आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है, गोवा है, महाराष्ट्र है, उसके साथ आपका गुजरात है। ये ऐसे राज्य हैं जो पानी की वजह से डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है। अब ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही किसी को नहीं पता। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है टेम्परेचर बढ़ रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा ग्लेशियर पिघलेगा, जब ग्लेशियर पिघलेगा तो समंदर का वाटर लेवल बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा तो समंदर किनारे जो लोग बस रहे हैं उनकी स्थिति खराब होना शुरू हो जाएगी, वो शहर डूबना शुरू हो जाएगा। जब वो शहर डूबेगा तो लोग भागेंगे सेंटर में, जब सेंटर में आएंगे तो लैंड एक्वायर होगी, जब लैंड एक्वायर होगी तो क्राइसिस पैदा होगी, जब क्राइसिस पैदा होगी तो वहाँ पर फूड और पानी दो ऐसी चीज़ें होंगी जिस वजह से लोग मरेंगे। जिस अभी सिटी में बैठा हूँ, जिस सिटी में हूँ, देवंगिरी सिटी में, इस सिटी में आज वाटर प्रोटेस्ट किया जाता है वाटर को लेके, कि यहाँ पे वाटर क्राइसिस है, इसको लेके यहाँ के लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे थे। अभी मैं कलेक्ट्रेट ऑफिस गया था, मुझे पता चला कि आज कलेक्टर सर इसी वजह से बिजी हैं, कल हमारी 11 बजे उनसे मीटिंग होगी। तो ऐसी स्थितियाँ हैं, तो प्लीज़ आप सब पेड़ लगाइए और देश को बचाइए। थैंक यू सो मच।